चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान और कटरीना कैफ स्टार बीते साल क्रिसमस के मौके पर पूरे बॉक्स ऑफिस पर टाइगर जिंदा है ने जबरदस्त कमाई करते हुए बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाना चालू कर दिया था। पहले दिन से ही सलमान खान की टाइगर जिंदा है ना बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड दर्ज कराना शुरू कर दिया था, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि यह फिल्म आमिर खान की पीके को बॉक्स ऑफिस पर धूल चटाकर ही दम लेगी, जिसने सिनेमाघरों में करीब 340 करोड़ का ताबड़तोड़ कमाई की थी। ट्रेड पंडित भी इसके लगी आश्वस्त थे कि टाइगर जिंदा है पीके से ज्यादा कमाई करके सिनेमा घरों में उतरेगी, लेकिन पद्मावत के आने के कारण से यह थोड़ा सा असंभव लग रहा था। आपको बता दें कि बीते वीकेंड में सलमान खान की टाइगर जिंदा है ने 2 करोड़ की ही कमाई की। यह गिरावट पद्मावत के रिलीज के कारण हुई है, लेकिन सोमवार और मंगलवार को अचानक से टाइगर जिंदा है की जबरदस्त कमाई में गिरावट देखी जा चुकी है। ऐसा माना भी जा रहा है कि सलमान खान की टाइगर जिंदा है पीके के आंकड़े को नहीं पार कर सकती है। आपको बता दें कि पीके ने बॉक्स ऑफिस पर 340 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई की है, वहीं टाइगर जिंदा है अभी तक केवल 338 करोड़ का ही कारोबार करने में सफलता हासिल की है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले वीकेंड में टाइगर जिंदा है की कमाई में कितना उछाल आ पाता है। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि सलमान खान की टाइगर जिंदा है पीके का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ सकती है। We'll be right back.